आज से 5 या 7 साल पहले अगर कोई मेरे से पूछता ना कि वर्ल्ड वाइड हाईएस्ट अर्निंग एक्टर्स में मैं बॉलीवुड के कौन से एक्टर को रखूंगा, तो मेरे दिमाग में शाहरुख, सलमान, आमिर यही नाम आते। बट कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि इस लिस्ट में मैं अक्षय कुमार को देखूंगा। देन यू मस्ट नो कि मुझे कितना ज़्यादा शौक हुआ जब मुझे ये पता चला कि फोर्ब्स की एक लिस्ट जो आई है जिसमें हाईएस्ट अर्निंग एक्टर्स वर्ल्ड वाइड में अक्षय कुमार वॉज प्लेस्ड एट द 4th नंबर, मतलब जैकी चैन, ब्रैडली कूपर से ऊपर अक्षय कुमार, और इस लिस्ट में हमारे शाहरुख, सलमान, आमिर का दूर दूर तक कोई नाम ही नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ? क्योंकि जब अक्षय कुमार 2010 में एंटर करने थे तो बैक टू बैक 5 फ्लॉप देके एंटर हुए थे, उसके बाद भी उनकी मूवीज़ कुछ ज़्यादा चली नहीं थी। तो ऐसा क्या हुआ कि डेकेड ख़त्म होते होते अक्षय कुमार बिकेम वन ऑफ द हाईएस्ट अर्निंग सेलिब्रिटीज वर्ल्ड वाइड, द हाईएस्ट अर्निंग बॉलीवुड एक्टर? तो इसी चीज़ को आज एनालाइज करते हैं इस वीडियो में, एंड लेट्स बिगिन। सो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेट कर देता हूँ मैं वीडियो शुरू करने से पहले। ये जो फोर्ब्स की लिस्ट है जिसकी मैंने बात करी, ये एक साल की ड्यूरेशन में देखती है कि किसी एक्टर ने कितने पैसे कमाए। तो उसका ड्यूरेशन था 1 जून 2018 से 1 जून 2019 तक। तो इस ड्यूरेशन में हमारे अक्षय कुमार ने 4 मूवीज़ करी हैं, गोल्ड, 2.0, केसरी और मिशन मंगल। एक और मज़ेदार फैक्ट बता देता हूँ, अक्षय कुमार इज़ दी सेकेंड बॉलीवुड एक्टर टू गिव 5 back-to-back 100 crore movies। इनमें यही है, ये गोल्ड, 2.0, केसरी, मिशन मंगल एंड हाउसफुल 4। और इसमें भी अगर आप सिर्फ एक पैडमैन को हटा दो ना, जिसने भी कुछ 80-90 crore के आसपास करे थे, तो उससे पहले की जॉली LLB 2, रुस्तम, हाउसफुल 3, एयरलिफ्ट, इन सब ने अमेजिंग कमाई करी थी। बट फॉर दी पर्पज ऑफ आर वीडियो हम इन 4 मूवीज़ पर ही स्टिक करते हैं और हम एनालाइज करेंगे कि अक्षय कुमार कैसे ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी अदर एक्टर्स वर्किंग इन बॉलीवुड, नेमली शाहरुख, सलमान एंड आमिर, एंड हाउ हिज अर्निंग्स आर मच मोर देन देम। तो ये जो 4-5 पिक्चरों की मैंने बात करी, गोल्ड, 2.0, केसरी और मिशन मंगल, इन मूवीज़ का कलेक्शन स्पेक्टाक्युलर है। मतलब गोल्ड ने वर्ल्ड वाइड 150 crore कमाए हैं, 2.0 ने 800 crore कमाए हैं, केसरी अर्न 250 crore एंड मिशन मंगल तो अभी भी 300 crore के पास पहुंचने वाली है। इसमें द रीज़न दैट अक्षय कुमार इज अर्निंग सो मच इज़ बिकॉज अक्षय कुमार एक चीज़ काफ़ी डिफरेंट करता है हमारे बाकी एक्टर्स। तो आमिर खान, शाहरुख खान एंड सलमान खान, दे टेक अ कट फ्रॉम द मूवीज़ प्रॉफिट्स। इसलिए आपने कभी कभी सुना भी होगा कि जब जीरो फ्लॉप हुई थी, या फिर जब थग्स ऑफ हिंदुस्तान फ्लॉप हुई थी, या फिर जब ट्यूबलाइट फ्लॉप हुई थी, तो शाहरुख, सलमान, आमिर ने प्रोड्यूसर्स के पैसे वापस करे थे। ऐसा केस हमारे अक्षय कुमार के साथ नहीं है। अक्षय कुमार एक्चुअली टेक्स अपराइट फी, और जो शाहरुख, सलमान और ऋतिक करते हैं वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वन दे गेट अ बिगर कट ऑफ द प्रॉफिट और मूवी के प्रोडक्शन में थोड़ी आसानी हो। बट अक्षय कुमार डजंट नेसेसरीली डू दैट। जॉली LLB 2 जब शूट हुई थी तो अक्षय कुमार टुक अ फी ऑफ 1 crore per day। 40 days में उसने मूवी निपटा दी थी, सो एसेंशियली अर्नड 40 crore फॉर द मूवी, एंड मूवी वॉज अ ब्लॉक बस्टर, इट अर्न अराउंड 200 crore वर्ल्ड वाइड। As per the Forbes list that I talked about, the Akshay Kumar draws at least 55 million and up to 10 million per film, in addition to the millions he mints from his over 20 endorsement deals. इसका मतलब ये हुआ कि अक्षय कुमार ने जो पिछले एक साल में 400 करोड़ से ज़्यादा की पर्सनल इनकम ली है, उसमें उनकी मूवीज़ की जो फीस होती है वो तो है ही, और जो एंडोर्समेंट डील्स होती हैं वो भी हैं। द रीज़न अक्षय कुमार की पिछली 4 मूवीज़ चली हैं, उसमें 3 key factors हैं जो मेरे हिसाब से अक्षय कुमार को बाकी एक्टर्स से अलग करते हैं। एक है परसिवियरेंस। अक्षय कुमार साल में कम से कम 4 मूवीज़ करते हैं। अगले साल के लिए भी अक्षय कुमार की एटलीस्ट 4 मूवीज़ ऐसी हैं जो अनाउंस हो चुकी हैं, और अब 2021 में भी उनकी एक मूवी आने वाली है बेल बॉटम नाम की, जो उन्होंने अभी से अनाउंस कर दी है। ऐसा कोई एक्टर नहीं करता। शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान अपनी अगली मूवी तक की बात करते हैं, उससे आगे की बात ही नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अक्षय कुमार परफॉर्मेंस और एक्टिंग के मामले में सबसे अच्छा है या सब में बेस्ट एक्टर है। मैं ये कह रहा हूँ कि अक्षय कुमार की जो स्ट्रैटेजी है, जो उनका फिलॉसफी है कि उनको मूवीज़ के कट्स में पैसे चाहिए ही नहीं, ही नीड्स हिज ओन फी, ही इज गोइंग टू वर्क हार्ड थ्रू आउट द ईयर, ही इज गोइंग टू गेट द मनी दैट ही डिजर्व्स, एंड इज गोइंग टू डिपेंड नॉट अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द मूवी ऑन द बॉक्स ऑफिस, बट अपॉन हिज ओन हार्ड वर्क एंड स्टार पावर। अब अक्षय कुमार के लिए ये भी काफ़ी कहा जाता है कि अक्षय कुमार सिर्फ पैट्रियोटिक फिल्म्स करते हैं, जैसे गोल्ड एक पैट्रियोटिक फिल्म थी, केसरी एक पैट्रियोटिक फिल्म थी, मिशन मंगल एक पैट्रियोटिक फिल्म थी, तो इसीलिए उनकी मूवीज़ ज़्यादा चलती हैं, क्योंकि हमारे देश को, इनफैक्ट हर देश के लोगों को, देश के अच्छे हित वाली मूवीज़ देखना ज़्यादा पसंद आएगा। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई बुराई है।
देखा जाए तो काफ़ी मूवीज़ बनती हैं हर साल जो देश के हित में होती हैं। कमांडो सीरीज़ जिसमें विद्युत जाम्बल है इज़ अ सीरीज़ जो काफ़ी टाइम से चली आ रही है एंड उसने डिसेंट परफॉर्म किया है, बट वो मूवीज़ ऐसी नहीं होती हैं कि उनको 200 करोड़ की अर्निंग हो जाए। अक्षय कुमार ओवर द लास्ट 7 to 8 ईयर्स हैज़ बिल्ड हिमसेल्फ एज अ ब्रांड कि ही विल डू मूवीज़ एंड ही विल डू एटलीस्ट 4 मूवीज अ ईयर, बट दोज मूवीज़ विल बी एंटरटेनिंग फॉर यू टू वॉच। His movies will have a social message. His movies will have him portraying a character that is likable, lovable, and even though Akshay Kumar played a villain in 2.0, his villain came with an angle जिसको आप necessarily deny नहीं कर सकते। वो villain नहीं था, वो एक anti-hero type का character था जो Akshay Kumar ने 2.0 में play करा। अब इतना बताने के बाद मैं आपको एक interesting fact बताता हूँ Akshay Kumar के बारे में। He does not work for more than 8 hours a day. In an interview with Times of India, Akshay Kumar says that he works only 8 hours a day. He takes 8 hours of sleep and he usually falls asleep by 10 p.m. Then how does he manage to shoot more than 4 films a year? Isi interview mein Akshay gave his time formula for a year. If he spends average 60 days shooting for a film, he can shoot up to 4 films every year. Aur kuch do's and don'ts bhi the jo unhone bataye the, to wo aapko main screen pe dikha deta hu, but for the purposes of this video, I think those were the reasons how Akshay Kumar manages to do well in the movie. The biggest learning that you can take away from this video is that Akshay Kumar apne time ko bahut acche se manage karte hain. He has so much time to do the stuff that he wants to do ki he lives his life on its own terms. So finally, ek chota sa ye analysis tha ki Akshay Kumar kaise 2018-19 ka highest earning celebrity from Bollywood and one of the highest earning actors worldwide bane. इस वीडियो में बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग इट टिल दी एंड। मैं ऐसे वीडियो एसेज एंड एनालिसिस लेके हर हफ्ते हर वेंसडे को 8 PM पे आता हूँ, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू वांट टू सी मोर कंटेंट लाइक दिस। आई हैव एन अपलोड शेड्यूल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो एज वेल इफ यू वांट टू चेक आउट व्हाट अदर वीडियोज आई डू एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट टिल दी एंड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।